ॐ गणगणपताय नमः। ॐ शनशनेश्वराय नमः। मंत्र उच्चारण से ही आप समझ गए होंगे कि आज शनि देव का दिन है। एकादशी है और एकादशी का व्रत रखने से 3 जन्मों का पुण्य मिलता है। तो मित्रों, आज 5 मार्च 2016 दिन शनिवार, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उत्तराछाड़ा नक्षत्र सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मेष राशि की। यह वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है, मगर घर में कुछ मेहमान आने से वातावरण शुभ हो जाएगा, आपके पक्ष में हो जाएगा। थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीजों से अनुरोध है कि टाइम के ऊपर मेडिसिन लें। हनुमान चालीसा पढ़ने से साहस बना रहेगा, मगर व्यापार में कोई एका डील वीकेंड में हो सकती है, मगर कुल मिलाकर 40-50% उत्तमता भरा दिन। पर्पल कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 3। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन की उत्तमता शुभ है, चारों दिशाओं से व्यापार में लक्ष्मी की में कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए, अपनी नज़र उतार लीजिए। कहीं ना कहीं मित्रों के संगठन से, मित्रों के प्यार से आपको आगे बढ़ने का सुंदर योग बना हुआ है। और विवाह के उपरांत बच्चे की अपेक्षा थी, वो भी खुशी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर यह वीकेंड आपके लिए 80% उत्तमता भरा। काले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 7। आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिथुन राशि की। बुद्धिमता से चलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। वीकेंड के ऊपर कीर्तन या कोई धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में जो धन कमाया है उसका सदुपयोग करें। घर में नजर दोष कष्ट निवारण पूजा करें। कुल मिलाकर स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा ये वीकेंड, 80% लाभकारी। हरे रंग का उपयोग करें, भाग्य अंक है 6। आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा मकर राशि में है, शनि की अपनी राशि में। थोड़ा मन बेचैन रहेगा, विवाद से बचें। षड्यंत्र छोटे मोटे जो ऑफिस में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, उनसे दूर रहें। मगर कर्क राशि वाले लोग राजनीति में बहुत हैं, अपने संगठन चलाते हैं, कार्यों में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, वहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई देती है, मगर मन को थोड़ा सा बेचैनी से दूर रखें। कुल मिलाकर 60-70% उत्तमता भरा दिन। मिल्की वाइट कलर का इस्तेमाल करें और आज का भाग्य अंक है 4। अगली राशि सिंह राशि। जैसे मैंने कल ही आपको बोला कि सूर्य के साथ केतु बैठे हुए हैं, वो भी शनि की राशि में, आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। अपने मन को कमज़ोर ना पड़ने दें, साहस में कमी आएगी। पेट पीठ इन दोनों की तकलीफ दूर करने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर का विमर्श लें। और अगर शादी हो चुकी है तो अनैतिक संबंधों को त्याग दें। व्यापार में वृद्धि होते होते बच सकती है। कोई ना कोई आपके साथ दुश्मनी निभाने की कोशिश करेगा। दुर्घटना से बचने की ज़रूरत है। ड्राइवर को भी बोल दीजिए कि गाड़ी तेज मत चलाएं। कुल मिलाकर 30-40% उत्तमता भरा दिन। शनिदेव की आराधना करें, नारंगी कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 10। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। यह वीकेंड आपके लिए हर तरफ से खुशियां, सफलता, अच्छे समाचार ला रहा है। आपके बच्चों को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह सुंदर सफलता के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। उनकी पढ़ाई में अच्छे नंबर, अच्छी जगह पे उनकी एडमिशन, विदेश जाकर MBA, MBBS, MD करने के दिन,
स्त्रियों के लिए दिन सुंदर। यह वीकेंड कुल मिलाकर आपके लिए 80% लाभकारी। हरे रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात करते हैं। शुक्र पॉजिटिव बैठा हुआ है, आज शनिवार है, मित्र का दिन है, तो कहीं ना कहीं सुबह उठकर ओम शन शनेश्वराय नमः 108 बार पढ़िए, हनुमान चालीसा 1 बार पढ़िए, शाम को अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ शनिदेव के मंदिर जाकर तेलाभिषेक कर लें। कुल मिलाकर तुला राशि वालों को एक चीज का ध्यान रखना है कि साढ़े सती का प्रकोप है, किसी को उल्टा सीधा वादा नहीं करना कि मैं आज ये कर दूंगा, मैं आज वो कर दूंगा, आज वो करूंगा, फेकोलॉजी नहीं करनी है। कुल मिलाकर धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, 60-65% उत्तमता भरा दिन, रोज पिंक कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 7। अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मंगल और शनि बैठे हुए हैं मगर कहीं ना कहीं ये वीकेंड आपको लाभकारी है। छोटी मोटी यात्रा से धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यापार लाभ के योग बन रहे हैं, आज एकादशी है, हो सके तो भगवान कृष्ण को एक सुंदर तांबे की या चांदी की बांसुरी चढ़ाकर आ जाइए, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा, मधुर हो जाएगा जीवन। मगर साढ़े सती है इसलिए शनिदेव की आराधना करें। सैटरडे और संडे वीकेंड पे घर में कीर्तन का आयोजन करें, अखंड रामायण पाठ का आयोजन करें, भगवद गीता पढ़ें। धर्म का पालन करने से साढ़े सती का प्रकोप कम होता है, सुनिए। कुल मिलाकर 40-50% उत्तमता भरा दिन, स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करिए और भाग्य अंक है 5। आइए आगे बात करते हैं धनु राशि की। गुरुदेव का अपना घर है, कोशिश करें अपने विचारों को पवित्र रखें, मित्रों के साथ में ईमानदारी से पेश आएं। कहीं ना कहीं ये वीकेंड के ऊपर थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, पत्नी की और माता की सेहत का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो उसका पूरा पूरा ख्याल रखें। धनुराशि वालों, व्यापार में वृद्धि हो सकती है मगर अपने विचारों को शुभ रखें, साढ़े सती का प्रकोप लगा हुआ है। धनुराशि वालों के लिए कहीं ना कहीं साईं की आराधना, हनुमान चालीसा पढ़ना अति अनिवार्य है, मगर आज 3 बजे से लेकर कल संडे 3 बजे तक कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। मिश्रित फल लेकर ये वीकेंड आपके लिए 50% उत्तमता भरा, पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 8। आगे बढ़ते हुए मकर राशि की बात करते हैं। स्वामी शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं मगर कहीं ना कहीं आपको कोई बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। कुछ लोग ऐसे आपके साथ जुड़ेंगे जो आपके भाग्य के लिए, आपके भविष्य के लिए उत्तम माने जाएंगे। पूर्व जन्म का प्रारब्ध आपके सामने आकर आपको प्यार से आगे लेकर जाएगा। मकर राशि वालों को सकारात्मक स्माइल अपने चेहरे पर रखनी पड़ेगी। स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर दिन, पेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी। ऑन द होली वीकेंड आपके लिए 80% लाभकारी, भूरे रंग का, ब्राउन कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 11। तो आइए आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात करते हैं। सूर्य और केतु बेशक बैठे हैं मगर बुध और शुक्र तो आपके लिए लाभकारी हैं, वहां व्यापार में वृद्धि करवाएंगे, नए काम की योजना होगी। सैटरडे और संडे बैठकर कोई अच्छा काम अंजाम देना ये दिख रहा है मुझे, मगर ताश या पत्ते या क्रिकेट ये मत खेलें क्योंकि सूर्य और केतु नुकसान करवा देंगे आपका। और किसी स्त्री के साथ बिल्कुल भी उसका निरादर मत करें। व्यापार में लाभ के योग हो सकते हैं जब आप अपनी आत्मा मन विचार शुद्ध रखेंगे। 70% उत्तमता भरा दिन, डस्की ब्लू नीले रंग का उपयोग और भाग्य अंक है 7। तो मित्रों, अगली राशि आखिरी राशि मीन राशि।
जैसे मैंने कल बोला था, इंजीनियर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, अपनी वर्कशॉप खोल सकते हैं, किसी से सब कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। ये वीकेंड आप प्लान करके अपने आप को नौकरी से बाहर निकाल के नए कार्य की सोच सकते हैं। ये सोच सकारात्मक रहेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं, यानी यहाँ देसी कंपनी में नौकरी करते हैं, मल्टीनेशनल में भी काम करने का योग बनेगा। कुल मिलाकर चारों दिशाओं से सुंदर समय है, इसका सदुपयोग करें। माता पिता को प्रणाम करें रोज, 80% लाभकारी दिन। पीले रंग का उपयोग करें, साई की आराधना करें, और भाग्य अंक है 1। ये थी आज शनिवार के दिन 12 राशियां। और आपको तो पता है कि आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम होता है राजमंत्र, जिसमें हम राजनेताओं की और शेयर मार्केट की भविष्यवाणियां करते हैं। देखना ना भूलिए, आज शाम 8 बजे और कल 8:30 बजे रिपीट। मित्रों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और हो सकता है कुछ दिनों के लिए छुट्टी लूँ, मगर राजमंत्र जो है वो आप यह कार्यक्रम हर शनिवार को देख पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। वापिस मिलूँगा जैसे ही वापस आता हूँ। तब तक हरिओम।